हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर। एंड दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि आप हमारे सभी के सभी नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओ सबसे पहले। साथ में टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज बात करूँगा एक रुपये का पैनी स्टॉक जिसमें 100% का माल लोग घर लेके जा रहे हैं, ठीक है। एंड लगातार लोग मेरे से पूछते रहते हैं, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो इस वीडियो को अंत तक देख सकती हो, अंत में आपको पता चल जाएगा कि मैं किस प्रकार से पैनी स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो एक रुपये का पैनी स्टॉक अभी आपको दिख रहा है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या स्टॉक में बाय करता या नहीं करता, आज उसका आंसर आपको मिल जाए। कुछ पैरामीटर है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, अगर आप इसको देख लोगे तो आप शायद शायद बोल रहा हूँ आप खुद के पैन स्टॉक सेलेक्ट करना स्टार्ट कर लोगे। टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर धीरे धीरे करके आप सीखोगे डेफिनेटली आप भी मेरी तरह एनालिसिस करना स्टार्ट कर जाओगे। अगर आपको मेरा खुद की मेरी कोचिंग लेनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ रुपये का चार्ज नहीं है, तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वीडियो को फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में शेयर करना है, और शेयर करने के बाद मुझे मैसेज करना है मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, वी आर स्टॉक करके है, ठीक है। हर संडे क्लास होती है, आज भी एक क्लास नहीं हुई है, वो क्लास हमने कल पोस्टपोन कर दी है मंडे के लिए। तो मंडे को मैं आपको उस क्लास का लिंक दे दूंगा, आप हमें शेयर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तब करते स्टार्ट एनालिसिस, मैं कैसे कोई पैन स्टॉक बाय करता हूँ जो एक रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा हूँ, या दो रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ, या पाँच रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखो, अब देख सकते हो जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है क्रेन्स सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड। किसी भाई ने नीचे कमेंट किया था, लगातार कमेंट करने में लगे थे, सर इसके ऊपर वीडियो बनाओ, ये स्टॉक कैसा है, रिव्यू दीजिए अपना, ठीक है, अपना प्राइस एक्शन बताइए कि स्टॉक कहाँ जा सकता है, एंड ये स्टॉक आपको कैसा लगता है। तो देख लेते हैं भाई ये स्टॉक मुझे कैसा लगता है, ठीक है। अगर बात करता हूँ मैक्स चार्ट की, तो दोस्तों क्लियरली देख सकते हो कि स्टॉक ने 153 रुपये का हाई लगाया है एक बहुत लंबे पीरियड में, ठीक है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है, मतलब मेरा एक पैरामीटर तो सक्सेसफुली इसमें डन हो चुका है, वो है एक कंसोलिडेशन फेज में जाना, मतलब ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर इसमें ओके है कि मैं स्टॉक को बाय करके चल सकता हूँ, कि एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा स्टॉक, हम डेमेज स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब आते हैं अदर्स पैरामीटर को, तो देख लेते हैं वो क्या है। ये मेरे कुछ और पैरामीटर है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करता हूँ, कंपनी का बिजनेस मेरे लिए मैटर नहीं करता है पैनी स्टॉक में खासकर। आप देख सकते हो वैसे इसका जो बिजनेस है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, नाम से आपको पता चल रहा होगा, एनएससी बीएससी दोनों में कामकाज होता है, ये भी मेरे लिए मैटर नहीं करता कि स्टॉक एनएससी में करता है या बीएससी में करता है, ठीक है। अब बात करते हैं करंट प्राइस, दोस्तों देख सकते हो मार्केट कैप 22 करोड़, ये भी मेरे लिए मैटर नहीं करता इतना, ठीक है, और ये भी हाई लोग मेरे लिए मैटर नहीं करता, बुक वैल्यू बहुत मैटर करती है मेरे लिए। अगर बुक वैल्यू पॉजिटिव है तो मुझे भाई वो स्टॉक अच्छा लगता है, इसका मतलब अगर अपने बुक से कोई स्टॉक अपने बुक से सस्ते में ट्रेड कर रहा हो, इसका मतलब फ्यूचर में वो स्टॉक वहाँ तक जाने की औकात रखता है। अगर ऐसा कुछ पैन स्टॉक आपके नज़र में है जो अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहे हो, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकती हो, डेफिनेटली उसके ऊपर मैं अपनी एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस और कुछ प्राइस एक्शन देख के बता सकता हूँ कि कहाँ आप एंट्री कर सकती हो, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है उसके बाद, वो आता है ये आरओसी और आरओई। देखिए दोस्तों स्टॉक में नेगेटिव है तो मतलब ये स्टॉक अच्छा नहीं है अभी तक। एंड ये देखिए दोस्तों प्रमोटर प्लेज होल्डिंग, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी पैनी स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर प्लेज हो रखी है प्रमोटर की होल्डिंग, तो भाई समझ जाओ वो स्टॉक फ्यूचर में अच्छा नहीं है। कोई कोई स्टॉक अच्छा हो सकता है, नो डाउट, कोई कोई स्टॉक एक रुपये से आठ रुपये हो सकते हैं, लेकिन भाई जो आपका रूल है ना उसको फॉलो करो। मेरा कुछ रूल है मैंने आपको बतला दिए, ये अगर नेगेटिव है, ये अगर प्लेज हो रखा है, तो मैं स्टॉक को शायद बाय ना करूं, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ, कुछ और पैरामीटर भी है वो भी देख लो एक बार। सो आप देख सकते हो स्टॉक में कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी प्रॉफिट अच्छे देने वाली है, ठीक बात है, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ, ये तो नॉर्मल सी बात है। अब आगे लेके चलते हैं आपको, अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, बिजनेस आई मीन क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सो आप देख सकते हो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग है क्वार्टरली बेसिस में, लगातार ये 10 साल का मैंने खोला था, इन तीन साल का खोला हुआ है और लॉस मेकिंग कंपनी है 3 साल में, मतलब स्टॉक अच्छा नहीं है लात। लेकिन बस इस दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की जो सेल्स थी 17 करोड़ के आसपास की हो गई थी, और कंपनी की जो प्रॉफिट है 1 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाया है लास्ट 3 सालों में। तो भैया अचानक से ऐसा चमत्कार क्या हो गया स्टॉक में कि भैया इसकी जो सेल्स है बढ़ गई, सोचने वाली बात है, ठीक है। साथ में अगर आप ध्यान दोगे, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों,
तो ये है कि जो आपको दिखाया जा रहा है कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट दे सकती है अगले क्वार्टर में, वो सिर्फ इसके वजह से है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया और लगातार 8-9 क्वार्टर्स में कंपनी लॉस मेकिंग थी। अब बात करते हैं ईयरली प्रॉफिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे पैरामीटर कि भैया हर साल कंपनी कैसा काम कर रही है। दोस्तों देखिए, यहाँ मेरे सेल्स मैटर नहीं करती, गिर रही है बढ़ रही है वो मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है लॉस एंड प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। दोस्तों देखिए, नेट प्रॉफिट खोल लगे लास्ट 10 सालों के, अगर आप ध्यान से देखोगे लास्ट 10 सालों में कंपनी ने सिर्फ एक बार प्रॉफिट दिया था, वो 2009 में, ठीक है, और 2010 से लेके 2020 ऑलमोस्ट 2020 10 साल होते, एक बार भी कंपनी ने 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं दिया। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, कोई भी पेन स्टॉक अगर आपको बाय करना है तो भैया एक लॉजिक अप्लाई करो, अगर लास्ट 5 सालों में, दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कंपनी लगातार लास्ट 10 सालों से लॉस मेकिंग है, और मैंने आपको हमेशा बोला एक इंपॉर्टेंट रूल क्या है, अगर कंपनी लास्ट 5 सालों में या 3 सालों के अंदर भी प्रॉफिट दे रही है, लास्ट 3 सालों में 1 रुपये का भी, तो आप सबको अपनी लिस्ट में डाल सकते हो बाय करने के लिए। तो दोस्तों ये पैरामीटर भी फेल हो गया, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ, आपको बैलेंस शीट देख लेते हैं। अब बैलेंस शीट में मैं क्या चेक करता हूँ, उसकी रिजर्व। दोस्तों देखिए, रिजर्व इसके नेगेटिव है, मतलब ये बैलेंस शीट में भी फेल हो गया, समझ पा रहे हो, रिजर्व नेगेटिव है। साथ में लोन दोस्तों देख सकते हो, लोन था पहले और लोन उन्होंने कम कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर रिजर्व नेगेटिव है तो मेरे लिए वो स्टॉक अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आगे लेके चलता हूँ, हालांकि देख लेते हैं शेयरहोल्डिंग पैटर्न। दोस्तों देखिए, इस जो पैन स्टॉक है इसमें मात्र 6% के आसपास का प्रमोटर्स का पैसा लगा, और बाकी पैसा आपके पब्लिक का 80% जो भी निकल गया था 80%, साथ में DII की होल्डिंग है 14% के आसपास, ठीक है। तो क्या मैं स्टॉक को इस बेसिस में बाय कर लूँ कि प्रमोटर्स का पैसा 6%? नहीं दोस्तों, ध्यान रखो, मैंने शुरू में बताया था मालिकों का जो पैसा है प्लेज हो रखा है, गिरवी रखा हुआ है, ये इनकी जो होल्डिंग है ये पूरी की पूरी प्लेज है, एक तरह से आप समझ सकते हो। तो मतलब इनके पास मतलब बिजनेस करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि भैया प्रमोटर्स ही होल्डिंग प्लेज हो रखे, क्या करेंगे बेचारे, राइट। तो भैया ओवरऑल स्टोरी बताऊँ स्टॉक की, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये स्टॉक पर्सनली मुझे पसंद नहीं आता है। अब रीजन सुन लो क्या क्या, शुरू से एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ क्या क्या रीजन है। पहला रीजन दोस्तों ये देखिए, एक सेकेंड है, सबसे पहले तो भैया देखो, स्टॉक प्लेज है, प्रमोटर होल्डिंग, ठीक है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, राइट, और साथ में जो इसका वो और साथ में तीसरा रीजन जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनी लगातार 6-7 क्वार्टर से लॉस मेकिंग है, ठीक है, अचानक से 1 क्वार्टर में प्रॉफिट आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टॉक को बाय कर लूँ, कम से कम 3-5 क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल होना चाहिए, 1 रुपये का प्रॉफिट दे रही हो, दे रही हो। एंड दोस्तों चौथा रीजन स्टॉक को बाय ना करने का ये रहा कि भैया लॉस मेकिंग कंपनी लगातार 10 साल से जो कंपनी लॉस मेकिंग है, कि अचानक से बदल सकती है, तो उसको डेफिनेटली बदल सकती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टॉक को 1 रुपये बाय करो, जब स्टॉक आपका 10 रुपये भी हो जाए ना, ठीक है, और कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल है लगातार 3 सालों से, तो तब भी आपको मौका मिलेगा। एक वाली चीज़ अगर 10 रुपये हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये हो जाएगी, नहीं, एक वाली चीज़ अगर 10 रुपये हो जाती है तो डेफिनेटली वो 2 रुपये और 3 रुपये पक्का आती है एक बार, तो वहीं हमें उसको बाय करना होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। कोई स्टॉक ऊपर चढ़ने के बाद नीचे पक्का गिरता है, यही हम गलती करते थे स्टॉक मार्केट में, कि हम स्टॉक्स को चेस करते, वेट नहीं करते अपॉर्चुनिटी का। ये लाइन भैया बहुत फेमस है इस चैनल की, वेट करो अपॉर्चुनिटी का, मतलब सपोर्ट के आसपास बाय करो, सपोर्ट ढूंढो और बाय करो बस, ठीक है। तो और बैलेंस शीट भी इसमें स्टॉक में नेगेटिव है कि भैया रिजर्व बिल्कुल भी नहीं है, तो भैया क्या चाहिए फिर आपको, मैंने क्लियर बता दिया भैया इस स्टॉक में आपको बाय बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसे स्टॉक्स आपको मिलते हैं जिसमें 100% का डिलीवरी लेके जा रहे हैं, तो भैया उसके पीछे का पहले आप एक बार उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग चेक करो, प्रॉफिट चेक करो लास्ट 10 साल में क्या हो रहा है, अगर अच्छा कुछ हो रहा है तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो, अदरवाइज आप स्टॉक को इग्नोर करो जितना इग्नोर आप कर सकते हो। तो भाई आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि भैया मैं 1 रुपये के पेन स्टॉक कैसे सेलेक्ट करता हूँ। तो ये वीडियो प्रॉपर उसी पैरामीटर्स के ऊपर था, और आप बोल सकते हो साथ में जो स्टॉक का नाम था क्रैंस सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल लिमिटेड, उसका भी ये रिव्यू मैंने दे दिया कि भाई स्टॉक में आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, अगर आप लगाना भी चाहते हो। बहुत लोग सोचते हैं सर ये डेफिनेटली स्टॉक में रॉकेट हो सकता है, बहुतों के मन में विचार आएगा, तो आप लगाओ पैसा, लेकिन भैया 2% ऑफ योर मंथली इनकम लगाओ, इससे ज़्यादा अगर लगाओगे तो भैया फ्यूचर आपका ब्राइट की जगह डूब सकता है, ठीक है। तो अब डिसीजन आपका, आपको क्या करना है, तो मैंने आपको बतला दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बाकी ये जो नॉइस आ रही है बहुत दिनों बाद में दूसरे किसी उसमें आया हो तो वहाँ पर थोड़ा समझ पा रहे हो ना, नहीं हो पा रहा है, तो जब भी होगा तो हम करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।